में शक्ति इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपको 10 फैक्ट्स इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है, जो कि इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये वीडियो नंबर 4 है। पॉइंट 1, चोट कई घटकों के एक साथ घटित होने से लगती है। ये कर्मचारी द्वारा किए असुरक्षित काम दशा के परिणाम स्वरूप होता है। सेकंड नंबर, कर्मचारी द्वारा किए गए असुरक्षित कार्य अधिकतर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। नंबर 3, इंसान जो असुरक्षित कार्य पर चोट के कारण अपाहिज होता है, वह इसी असुरक्षित कार्य से पूर्व में 300 बार बच चुका होता है। पॉइंट 4, चोट की गंभीरता पूर्ण रूप से भाग पर निर्भर करती है, किंतु दुर्घटना को होने से रोका जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, 4 मुख्य कारण जो असुरक्षित कार्य को बढ़ावा देते हैं, जानकारी का अभाव, सही भावना का न होना, फिजिकल एंड टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट। पॉइंट नंबर 6, दुर्घटना रोकने के लिए 4 मूलभूत उपाय, इंजीनियरिंग बदलाव, अपील और धारण, व्यक्तिगत समायोजन और अनुशासन। पॉइंट नंबर 7, दुर्घटना रोकने के उपाय, गुणवत्ता, लागत और उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए उपायों के समान ही है। पॉइंट नंबर 8, मैनेजमेंट के पास दुर्घटना रोकने के उपायों की शुरुआत करने के अच्छे अवसर एवं योग्यता होती है। पॉइंट नंबर 9, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को रोकने में सुपरवाइजर की आम भूमिका होती है। मानवता के लिए दुर्घटना रोकने के साथ साथ इंसेंटिव के रूप में 2 फायदे और होते हैं। सुरक्षित संस्थान दक्षता वाला होता है, लागत में कमी आती है। पॉइंट नंबर 10, निर्माण व्यवसाय में सुरक्षा संबंधित चर्चाओं के उद्देश्य से की गई बैठक को टूल बॉक्स टॉक्स कहते हैं। कर्मचारी के लिए अधिक सुरक्षित काम की परिस्थितियों पर निर्माण करने और उसे बनाए रखने के लिए शिक्षित करने के उद्देश्य से इस बैठक में विचार विमर्श किया जाता है। तो इस प्रकार वीडियो में इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड 10 फैक्ट को डिक्लेयर किया गया है, जो ITI पास स्टूडेंट के इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी शिक्षा उनको सही ढंग से होनी चाहिए।